हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग्स। सो दोस्तों, एक अभी स्पेशल जगह आए हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि आज महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको महादेव आप लोग पर कृपा हमेशा बनाए रखें। सो दोस्तों, देखिए अभी हम लोग आए हैं, ये जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है ये, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस पर अभी काम चल रहा है और कुछ काम बाकी है, और आज इसका आपको वॉक थ्रू करके दिखाएंगे कि ये स्टेडियम कैसा है और इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं और क्या क्या घूमने के लायक है। सो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। सो दोस्तों, देखिए अभी इसका वक्त रुक करके दिखाएंगे और सो ब्लॉग पर आप लोग बने रहें। दोस्तों देखिए, ये है मेन गेट और ये मेन गेट से यहाँ से एंट्री होगा, उसके बाद यहाँ से आप लोग अंदर आएंगे। उससे पहले आपको बता दूँ, ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये जो सड़क है और ये है कचहरी टू फरेलाल चौक है। इसी ये रोड फरेलाल चौक जाती है और इधर कचहरी चौक जाती है। इसका गूगल मैप में, इसका आप डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, इसका लिंक आपको वहीं पे प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए यहाँ से एंट्री होगी, यहाँ से अंदर आएंगे और देखिए यहाँ पे कुछ स्टैचू बना हुआ है जैसा आप देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, और ये देखिए यहाँ पर काम कर रहे हैं उन लोग को, यहाँ पर सामान रखा हुआ है। देखिए ये फ्रंट का व्यू है, ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है। देखिए ये दोस्तों, यहाँ पे कुछ पेंटिंग बनी हुई है जो कि झारखंड की संस्कृति को दर्शाने के लिए यहाँ पे बनाई जा रही है। कुछ स्पोर्ट्स पर्सन के यहाँ पे पेंटिंग बनी हुई है और भैया यहाँ पे देखिए बना रहे हैं। देखिए हर एक पिलर में यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्ट्रेट तरह का पेंटिंग। देखिए कुछ इस प्रकार है, देखिए भैया यहाँ पे पेंटिंग बना रहे हैं, देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत बन रहा है पेंटिंग। देखिए, और हर एक पिलर पर आपको देखिए इस तरह का आपको पेंटिंग नज़र आ जाएगा। देखिए किसी स्पोर्ट्स पर्सन का, यहाँ की संस्कृति का। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बच्चों लोगों के लिए यहाँ पे देखिए स्पेशल एक जगह बनाई गई है जिसे आप देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे बच्चे यहाँ पे झूला झूलेंगे और यहाँ पे इधर से स्लाइड करेंगे और इधर से चढ़ेंगे, इधर से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बनाया हुआ है, देखिए आप दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे बच्चों के लिए झूलने के लिए झूला, फिर एक झूला उधर है, एक झूला उधर है और छोटी सी यहाँ झूला। और आपको बता दूँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये अटल स्मृति वेंडर मार्केट है, यहाँ पे जस्ट उसी के बगल में है यहाँ पे ये स्टेडियम। इससे भी आप लैंडमार्क के माध्यम से, इस लैंडमार्क के माध्यम से आप आके यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ पर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम का, इस तरह देखिए यहाँ पर कितना बड़ा बना हुआ है। देखिए यहाँ पे अंकल लोग यहाँ पे काम करते हैं, वो लोग बैठे हुए हैं और आंटी भी हैं बैठी हुई है। इस स्टेडियम में भी काम चल रहा है तो वो लोग अभी आराम कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भैया पानी पटा रहे हैं। आपको ये बता दूँ, ये जो घास आप देख रहे हैं, और देखिए भैया यहाँ पे पानी पटा रहे हैं किस तरह, और ये जो घास आप देख रहे हैं यहाँ पर नीचे पर, ये रेडीमेड यहाँ पर बिछाया हुआ है। और देखिए भैया इसी पर पानी देखिए यहाँ पर पटा रहे हैं ताकि घास को हरा किया जा सके। देखिए ये आप देखिए इस तरह का है, देखिए यहाँ पे पीस पीस टाइप का कटा हुआ है टुकड़ों में, देखिए यहाँ पे। सो दोस्तों देखिए, यहाँ पे पत्थर बिछाए हुए, देखिए पाथ के लिए बनाए हुए हैं, और देखिए कुछ इस प्रकार देखिए बिछा हुआ है पत्थर, आप देख सकते हैं। और जस्ट इसी के बगल में देखिए आप यहाँ पे बास्केटबॉल का ये रैकेट या पिच बोल सकते हैं इसको, बना हुआ है। और ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार पीछे आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा बना हुआ, आप देख सकते हैं इसकी लेंथ और ब्रेथ, आप देख सकते हैं किस तरह बना हुआ है। और देखिए यहाँ पे लाइटें लगी हुई हैं ताकि रात में भी आप लोग देख के खेल के मज़ा ले सकते हैं, इस तरह देखिए यहाँ पे बना हुआ है। दोस्तों देखिए, एक और आप भी जगह आपको लेके आए हैं, आप देख सकते हैं, ये है टेनिस का कोर्ट, देखिए यहाँ पे बना हुआ है, कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं हमारे पीछे। और देखिए आपको आगे से आपको वक्त दिखाते हैं इसका, देखिए कुछ इस प्रकार देखिए यहाँ पे बना हुआ है, ऐसा देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे नेट यानी कि जाली देखिए यहाँ बंधा हुआ है दोनों तरफ, आप देख सकते हैं देखिए। और देखिए यहाँ पे लाइटें भी लगी हुई है ताकि आप लोग रात में भी इसका एंजॉय आप लोग ले सकते हैं, देखिए कुछ इस प्रकार है। देखिए दोस्तों, कुछ यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए कुछ इन इक्विपमेंट यहाँ पे देखिए लगाई गई है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे।
इस तरह कुछ है, देखिए। और देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से देखिए ये सब भी बनाए हुए हैं। अभी देखिए ये अभी पैक है, अभी यहाँ पे चालू नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए इस तरह ये अभी पैक है, और देखिए इस तरह ये घूरता है, देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे एक पेंडल टाइप का लगा हुआ है, देखिए इस तरह कुछ है। देखिए दोस्तों इस तरह का कुछ एक्टिविटी के लिए, एक्सरसाइज के लिए किया गया है, फैसिलिटी यहाँ पे देखिए दी गई है, इस तरह कुछ देख सकते हैं आप। देखिए आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे है और कुछ यहाँ चीज़ें हुई हैं, देख सकते हैं इस तरह कुछ। देखिए यहाँ पे एक और है उसी तरह का। देखिए यहाँ केले का पेड़ लगाया गया है, पौधा लगाया गया है, आप देख सकते हैं। और देखिए इस तरह है यहाँ पे एक भी एक और पेड़ है। और देखिए दो स्टैचू इस तरफ बनाई गई है, जो कि हॉकी खेलते हुए कुछ इस प्रकार यहाँ पे है। और देखिए और एक यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे ईंटें सीमेंट वाली यहाँ पे देखिए यहाँ पे रखी हुई है, और ये इधर बिछाई जाएगी, जहाँ जहाँ बाकी है उस तरफ बिछाई जाएगी। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पर पौधे यहाँ रखे हुए हैं लगाने के लिए, और ये भी लगाए जाएंगे सभी जगह। और देखिए कितना खूबसूरत है ये पौधा, आप देख सकते हैं इस तरह कुछ है। और दोस्तों देखिए एक बात आपको बता दूँ, ये देखिए यहाँ पे झारखंड की संस्कृति को यहाँ पे दर्शाया गया है, एक दीवार यहाँ पे बना के, और जो कि फ्रंट गेट है उसी के जस्ट बगल में ही, उसके पीछे जस्ट है। यहाँ पे देखिए झारखंड की संस्कृति और उसकी वेशभूषा और यहाँ के बारे में यहाँ पे बतलाया गया है, इस तरह कुछ। देखिए दोस्तों इस तरह का आपको व्यू देखने को मिलेगा इस स्टेडियम में, आप देख सकते हैं कितना अद्भुत है और कितना शानदार ये स्टेडियम बनाया जा रहा है। सो दोस्तों देखिए अभी आप लोग को इस स्टेडियम को वक्त थ्रू करके दिखा दिए हैं, आप लोग कमेंट्स में हमको ज़रूर बताइएगा कि इस स्टेडियम को वक्त थ्रू आप लोगों को कैसा लगा। सो दोस्तों अगर इस तरह का अगर वीडियो आप लोग को हमेशा इसकी अपडेट मिलता रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और अपने भाई को फॉलो करना। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड।